Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back in this my channel, Desi Tech News. So viewers, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप अपना इंटरनेट डेटा किस तरह सेव कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और बहुत ही कमाल का फीचर है कि आप अपना इंटरनेट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, जब आपको इमरजेंसी में जरूरत है तो आप इस स्टोर डेटा को इस्तेमाल में लाते हुए अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं और जो आपने डेटा स्टोर किया होगा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये YouTube पे बेस्ट वीडियो है कि इस तरह की वीडियो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो डोंट स्किप दिस वीडियो और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप जान पाएं कि आप अपने इंटरनेट डेटा को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं और किस तरह अपना इंटरनेट डेटा सेव कर सकते हैं और किस तरह आप अपने इंटरनेट डेटा की जो लिमिट है वो सेट कर सकते हैं। इवन दैट आप हॉटस्पॉट को भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी हॉटस्पॉट जो आपने शेयर किया है उसने कितनी MB इस्तेमाल की है। तो जी हाँ व्यूअर्स, दिस इज द बेस्ट वीडियो एवर। तो इस वीडियो पे अभी से लाइक कर दें ताकि आप सीख पाएं इस कमाल की ट्रिक को। तो व्यूअर्स, ये एक गूगल प्रोडक्ट की एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है जिसका साइज है 3.5। तो देख सकते हैं आप कितना छोटा साइज है। और आप जानते हैं कि गूगल की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत कमाल की प्रोडक्ट्स होती हैं और ऑथेंटिक होती हैं और बहुत यूजफुल होती हैं। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो और देखते हैं कि किस तरह हम इस छोटी सी कमाल की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह अपना डेटा जो है उसे सेव कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और लिमिट सेट कर सकते हैं और अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो जी भाई लोग, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आप लोगों ने सर्च करना है डेटा ली ऐप, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप दे सकते हैं, अगर आप इसको प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है ये, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे ये सर्च में आ नहीं रही। तो आप ये सेकंड देख सकते हैं, इस तरह का बार जो बना हुआ है जो सेंटर वाली है, इसके ऊपर क्लिक कर देना आप लोगों ने। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप प्ले स्टोर में चले जाएँगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने इसको कर लेना है इंस्टॉल। तो आप देख सकते हैं 3.52 MB की और इंस्टॉल हो चुकी है। जी हाँ, और बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है यार। आप लोगों इसे यूज़ करोगे ना तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में वापस आके मुझे ज़रूर आप बताएंगे कि डेफिनेट दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन है वो। तो इस तरह इसे ओपन करना है आप लोगों ने। ओपन करने के बाद आपने इसे कंटिन्यू कर देना। जी हाँ, इससे रोकना नहीं, आप लोगों ने अलाउ कर देना, सारी परमिशन अलाउ कर देना, बिकॉज दिस इज़ द गूगल प्रोडक्ट। ओपन यूसेज एक्सेस, इसके ऊपर आप लोगों ने कर देना क्लिक और इसे एक्सेस कर देना। तो जनाब ये खड़ा है तीसरे नंबर पर डेटा ली, तो इसे अलाउ यूसेज एक्सेस दे देनी आप लोगों ने। ये देने के बाद आप फर्स्ट जो है मैनेज डेटा, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें उसी वक्त आ गया कि आपने इतना डेटा इस्तेमाल कर दिया। और नीचे ऑप्शन ये वाला आ रहा है सेव मोबाइल डेटा, नीचे कॉर्नर पे इसे अनेबल कर देना आप लोगों ने और अलाउ पे क्लिक कर देना, फिर ओके पे भी प्रेस कर देना और ओपन सेटिंग में जाके आप लोगों ने ये पे परमिट ड्राइंग ओवर अदर एप्स, इसके ऊपर भी क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं, ये बबल भी आ रहा है। ये बबल क्या बताएगा, जौन सी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करेंगे उसका MB कितना इस्तेमाल हुआ है, ये साथ साथ आपको उस एप्लीकेशन का बताता जाएगा। यानी आप जौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे उसकी लाइव MB जो कंज्यूम हो रही है वो आपको दिखाएगा। उसके बाद जनाब जो सेकेंड ऑप्शन है वो डेटा लिमिट का, तो यहाँ पे आप अपना डेटा लिमिट रख सकते हैं, 1 GB कर सकते हैं, MB भी कर सकते हैं, GB में भी कर सकते हैं, तो जौन सा आपको सही लगे। तो यहाँ से आप, यानी मैं 200 MB की करता हूँ, तो सेट अ डेली लिमिट, तो ये जनाब सेट हो चुकी है। और टर्न ऑफ डेली लिमिट, यहाँ पे आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो सेट अ डेली लिमिट, इस तरह आप इसे एक लिमिट दे सकते हैं। तो बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद आप बेड टाइम, आपके पास मोड है। बेड टाइम मोड में क्या होता है कि स्टॉप ऐप्स फ्रॉम यूजिंग योर मोबाइल डेटा व्हेन यू स्लीप, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो बेड टाइम है सारी एप्लीकेशन भी सो जाएंगी आपके साथ। तो ये आप ऑन करके जनाब सो जाएं और आपका मोबाइल भी सो जाएगा, जो उसमें एप्लीकेशन मौजूद है वो भी सो जाएंगे।
तो उसके बाद बैक करना आप लोगों ने। बैक आपने इमरजेंसी बैंक जो हमारा ये जो कमाल का फीचर है ना, ये कहीं पे भी किसी एप्लीकेशन में भी नहीं है। एमरजेंसी बैंक पे आपने ऐड बैलेंस डिटेल देनी है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना एमरजेंसी MB जो आप चाहते हैं कि स्टोर हो वो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर देनी है। करंट डेटा बैलेंस कितना है, कितनी MB अभी आपके पास है, तो वो जितनी भी वो आपने चेक कर लेनी है वो आप लोगों ने इधर टाइप कर देनी है जितनी भी हो। और आपने टैब टू सेट एक्सपायरी डेट भी आपने मेंशन करनी है कि यार इतनी एक्सपायरी डेट हो, यानी 30 डेट तक मैं लगा देता हूँ और ओके पे प्रेस कर देता हूँ। तो जनाब कंफर्म कर देता हूँ, तो आपका जो है स्टोर डेटा एमरजेंसी बैंक जो है वो आपका एनेबल हो जाएगा। तो आप 30 डेट तक आप इस एमरजेंसी बैंक में जो आपने सेव की है अपनी MB वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर विश, योर कस्टमाइजेशन, जैसे आप चाहें इसको कस्टमाइज कर दें। तो जनाब आगे है ट्रैक हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे आप अपनी MB सेट कर सकते हैं कि जनाब मैंने जो हॉटस्पॉट शेयर करनी है वो मैंने इतनी MB करनी है, इससे ऊपर मैं नहीं कर सकता। तो वो आपने इधर मेंशन कर देनी है कि जनाब मैं तो इतनी MB जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, और ट्रैक हॉटस्पॉट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जनाब जैसे ये MB पहुँचेगा इस लिमिट तक तो आपकी हॉटस्पॉट ऑफ हो जाएगी, वो आपकी हॉटस्पॉट जो है वो ज़्यादा आपकी MB इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो बबल ट्रैकर, जी हाँ ये बबल ट्रैकर है, ये बबल ट्रैकर है। तो ये लाइफ यूसेज बताएगा आपको और डेली यूसेज भी बताएगा। तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं अगर आप इरीटेट होते हैं कि आप इस बबल से इरीटेट हैं कि ये जनाब मेरे साथ साथ नहीं चलना चाहिए, मुझे ना बताए कि कौन सी एप्लीकेशन कितना इस्तेमाल कर रही है, तो आप इसको इधर हाइड कर सकते हैं। जी हाँ देखें कितनी कमाल की एप्लीकेशन, तो शो बबल कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि ये लाइव बबल कैसा कमाल करता है। अब मैं टिकटॉक यूज़ करता हूँ। जी जी ये टिकटॉक ओपन हो चुकी है। तो ये जनाब ये रहा हमारा बबल, ये देखें MB इस्तेमाल कर चुका है टिकटॉक, जन्नत मिल जाए ये सी गए हैं। तो 8 MB इस्तेमाल हो चुकी है। तो ये देखे जनाब ये रहा हमारा बबल। तो ये ट्रैक कर रहा है कि आपकी टिकटॉक जो है वो 9 MB यूज़ कर चुकी है। तो जनाब देख सकते हैं अब यहाँ पे, और दोबारा चलते हैं मैं एप्लीकेशन में और आपको एक और चीज़ बताता हूँ। खुल जा सिम, खुल गए। तो जनाब पे यहाँ पे मैनेज डेटा पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन ने कितनी MB इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीसेंट डेटा यूसेज जो है वो आपको शो हो रहा है कि क्रोम ने इतनी इस्तेमाल की है, टिकटॉक ने इतनी इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशन ने जितनी जितनी MB इस्तेमाल की है ना वो सारी आपको यहाँ शो हो जाएगी। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत कमाल की लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की कमाल की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।